अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटल सिस्टम का जो दूसरा वाला पार्ट है। पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्चुअल सिस्टम, तो आज का जो जो टॉपिक है वो नेक्स्ट जो इसका डिवीजन है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम। तो अपेंडिकुलर जो सिस्टम होता है ये टोटल नंबर जो इसमें बोन्स होती हैं प्रेजेंट वो होती हैं 126 बोन्स। कितनी होती हैं? 126 बोन्स आर प्रेजेंट इन अपेंडिकुलर सिस्टम। तो एक्चुअल स्केल सिस्टम में आपने पढ़ा था कि इसमें कितने बोन्स होती थी, 80 बोन्स। बट इन अपेंडिकुलर सिस्टम इट कंसिस्ट और इट कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी बोन्स? 126 बोन्स। तो इसके बाद इस अपेंडिकुलर सिस्टम को हम दो हिस्सों में डिविजन करते हैं। इसमें आते हैं लिम्स और आते हैं गर्ड। और लिम्स में जो बोन्स होती है, नंबर ऑफ बोन्स दैट इज 120। कितनी बोन्स होती हैं? 120। 120 बोन्स आर प्रेजेंट इन लिम्स। दैट मीन्स वी हैव अपर लिम्स, वी हैव लोअर लिम्स, एंड द सिक्स बोन्स रिमेनिंग आर प्रेजेंट इन गर्ड। हियर इन गर्ड। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस यू विद द लिम्स, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। सो द अपर लिम्ब हियर आई हैव इंडिकेटेड हियर हैंड, एंड लोअर लिम्ब हियर इज लेग। ओके, सो अपर लिम्ब में क्या होता है कि अपर लिम्ब में ईच अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ और ईच हैंड कंसिस्ट ऑफ 30 बोन्स। कितनी बोन्स होती हैं? 30 bones. How many? 30 bones are present in each hand. So, I have enlisted here the number of bones with names. पहली bone जो है, इसका नाम मैंने लिखा है इधर, humerus. Which bone? Humerus. उसके बाद जो bone होती है, वो होती है radius. क्या होती है? Radius. उसके बाद होती है ulna bone. उसके बाद होते हैं carpals. क्या होते हैं? Carpals. उसके बाद होते हैं मेटाकार्पल्स। क्या होते हैं? मेटाकार्पल्स। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद होती हैं फैलेंज्स। क्या होते हैं? फैलेंज्स। सबसे पहले जो क्या होता है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल दिस इज एन इंडिविजुअल, सपोज जो यहां से इसको ये वाला रीजन होता है, यहां पे इसको प्रेजेंट होता है जो ये यहां तक ये बोन होती है एल्बो तक, इस वाली बोन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट ह्यूमरस। क्या कहते हैं इसको? ह्यूमरस बोन। उसके बाद वाली जो ये बोन होती है वी कॉल इट एज रेडियस बोन। क्या कहते हैं इसको? रेडियस बोन। सिंपली आपको इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं कि जो रेडियस बोन है ना, जब हमें पल्स किसी बंदे को चेक करना होता है, टेम्परेचर चेक करना होता है, पल्स उसकी चेक करनी होती है, तो हम एक इंडेक्स फिंगर वहां पर रखती हैं अपनी, या मिडल फिंगर रखते हैं, उन दो फिंगर्स की वजह से हम फिर चेक करते हैं पल्स। तो जो ही हमें पल्स चेक करना होता है, जो वो वाला एरिया होता है उसको हम रेडियल पल्स कहते हैं। उस पल्स चेक करने को हम बोलते हैं वी चेक द रेडियल पल्स। सो जो वो वहां पे एक्चुअली प्रेजेंट बोन होती है, तो उस बोन को हम क्या कहते हैं? रेडियस बोन। क्या बोलते हैं उसको? रेडियस बोन। और उसके जो साइड वाली बोन होती है उसको हम कहते हैं जो लिटिल फिंगर होती है, लिटिल दिस फिंगर, तो इस वाली साइड से जो बोन होती है देन दैट साइड इज नोन एज दैट द बोन दैट इज प्रेजेंट ऑन दैट साइड, उस बोन को हम कहते हैं अल्ना बोन। क्या बोलते हैं? अल्ना बोन। गॉट इट? सो ह्यूमरस, रेडियस है और अल्ना बोन, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो ह्यूमरस बोन एक ही मौजूद होती है हर एक अपर लिम में या हैंड में, ठीक है, एक ही मौजूद होती है। दो में होंगी दो, इसी तरह रेडियस जो होती है ये एक ही बोन होती है, अल्ना भी होती है एक ही बोन। जो कार्पल्स होती है यानी रिस्ट बोन होते हैं, रिस्ट बोन जो यहाँ पे मौजूद होते हैं ये होती है 8 बोन्स। कितनी बोन्स होती हैं? कार्पल्स आर कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी बोन्स? 8 बोन्स। दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटाकार्पल्स जो होते हैं ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? मेटाकार्पल बोन्स जो होती हैं ये 5 बोन्स होती हैं। ये यहां से 1, 2, 3, 4 और 5 बोन्स होती है, दीज आर 5 बोन्स। और उसके बाद जो फैलेंजेस होते हैं, फैलेंजेस जो होते हैं ये होती हैं 14 बोन्स। यू वांट टू
से हाउ दीज आर 40, जो ये है यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक दो, उसके बाद यहां से यहां तक तीन, तीन 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 कितने हो गए, 3 4 12, 12 + 2 उस इसके थंब के दो बोन्स, ये बन जाती हैं 14 बोन्स। तो इस तरह से जो हैंड के बोन्स होती हैं ये होती हैं 30। ईच हैंड इज ईच हैंड बोन और ईच अपर लिम बोन्स आर कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी बोन्स, 30 बोन्स। तब जब दो को हम ऐड करेंगे तो ये 60 बोन्स बनेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर लोअर लिम्ब की बात करेंगे, लोअर लिम्ब में बोन्स कितनी मौजूद होती हैं, ईच लोअर लिम्ब और लेग कंप्राइज ऑफ 30 बोन्स, कितनी बोन्स होती हैं, 30 बोन्स। तो इसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट होती हैं या सबसे बड़ी वाली बोन जो हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, जो जिसको हम थाई बोन भी बोलते हैं, वो होती है फीमर बोन। कौन होती है, फीमर बोन। फीमर बोन के बाद आती है हमारा टीबिया, क्या आते हैं, टीबिया। टीबिया के बाद आता है फिब्यूला बोन, कौन सी आती है, फिब्यूला, टीबिया और फिब्यूला। उसके बाद आते हैं टार्सल्स, क्या आते हैं, टार्सल्स। उसके बाद आते हैं मेटाटार्सल्स, उसके बाद आती हैं फैलेंज, जिस तरह मैंने आपको हैंड बोन समझाए। तो फीमर बोन हर एक में होती है, एक लेग में होती है, एक अपर लोअर एक्सट्रीमिटी में होती है, एक फीमर बोन। टीबिया भी एक होती है, फिब्यूला भी एक होती है, टार्सल्स 7 होते हैं, मेटाटार्सल्स 5, और फैलेंजेस जो होती है माय डियर स्टूडेंट्स वो होती है 14। तो इसके बाद एक बोन होती है, क्योंकि यहाँ पे कार्पल्स 8 थे, यहाँ पे टार्सल्स 7 ही है। तो जो ये नी केप होती है उसको हम पलेटेला भी कहते हैं। तो इस तरह से ये 30 बोन्स बन जाती है, 30 + 30 = 60, सो ये 120 बोन्स आपको आ गई, ठीक है। तो ये अपर एक्सट्रीमिटी की बात हो रही थी और लोअर एक्सट्रीमिटी की बात होती। उसके बाद अगर गर्डल की बोन्स की बात करें, वो 6 होती हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्डल बोन्स आर हाउ मेनी, 6। तो फर्स्ट वन इज पिक्टोरियल गर्डल, विच गर्डल, पिक्टोरियल गर्डल, जो एक्चुअली कहाँ पे होता है, जो यहाँ पे होती है गर्डल यानी शोल्डर के पास, तो वहां पे ग्लेनॉइड कैविटी होती है। उसमें क्या होता है, उससे उसके साथ जुड़ा हुआ होता है एक्चुअली ह्यूमरस। ह्यूमरस के बैक वाले साइड से क्या होती है, स्केप्यूला, दोनों साइड से स्केप्यूला होती है। और ये तो पोस्टीरियर साइड की बात करते हैं, एंटीरियर साइड से बोन होती है जिसको हम कैल्विक बोन कहते हैं, क्या कहते हैं, कैल्विक बोन। ये दो मौजूद होती है दो साइड से, राइट साइड से एक कैल्विकल बोन, लेफ्ट साइड से एक कैल्विकल बोन, इनको हम कॉलर बोन्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये 4 बोन्स होती है। इसके बाद जो पेल्विक बोन्स होते हैं, पेल्विक बोन्स दो होती है, कोसियल बोन्स इनको कहते हैं। कोसियल बोन्स जो होती हैं ये पेल्विक गर्डल के पास मौजूद होती है, ठीक है। तो ये बनी हुई होती है, ये कोसल बोन्स एक्चुअली 3 बोन्स से बनी हुई होती है, इलियम, ईशियम और प्यूबिस। इलियम, ईशियम और प्यूबिस की बनी हुई होती है, ठीक है। तो इस तरह से गर्डल की कितने आ गई टोटल बोन्स, 6 बोन्स। सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू टुडे अबाउट द अपेंडिकुलर सिस्टम। अपेंडिकुलर सिस्टम जो होता है इट इज डिवाइडेड इंटू द 2 पोर्शंस, वन इज द लिम्ब पोर्शन, अनदर इज द गर्डल पोर्शन, एंड देन आई हैव डिस्कस्ड यू इन डिटेल द होल अपेंडिकुलर सिस्टम बोन्स। थैंक्स फॉर लिस्निंग टूडेज लेक्चर एंड आई होप यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड वट आई हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड यू वाया दिस वीडियो लेक्चर।